वृक्ष से टूटकर गिरे पत्ते को तो आप सभी ने देखा होगा, वो कुछ ही देर में मुरझा जाता है, पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, वायु का वेग उसे उड़ाकर कहीं और ले जाता है, पैरों तले पिसता है, वर्षा के जल में गलता है। तो क्या यही अंत है? नहीं, इसके पश्चात क्या होता है वो विचारणीय है। एक पत्ता गलकर सूखकर पिसकर उसके अवशेष धरती में रिसते हैं और खाद बनते हैं, और उसके पश्चात वो खाद पेड़ की जड़ों में जाकर मिल जाता है और नव जीवन देता है एक और नए पत्ते को। अर्थात कहीं भी कभी भी कुछ भी ना अयोग्य होता है ना बेकार होता है। इसलिए कुछ नष्ट हो जाने की चिंता करे बिना उसे आप समाज के हित में लगा दीजिए। विश्वास कीजिए, वो वस्तु, वो प्रयास कभी नष्ट नहीं होगा। क्षमा कीजिए राजमाता, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। इतनी निर्दयता से मारा महाराज, अपने अनुजों के प्राण पर बनाई तो भाग रहा है विकुर्दल। कट, प्रतीक्षा मत करो, वाट करो इनका, वाट इनके रक्त के छींटे मेरे चलते मन को शांति देंगे। बात करो इनका। क्षमा करना मित्र, परंतु आज मेरा लक्ष्य माद्री पुत्र नहीं, कौंतेय है। चलो सारथी। ठीक हो ना? हाँ ज्येष्ठ, परंतु प्रश्न यह है कि एक ही क्षण में हमारा वध कर देने में सक्षम अंगराज ने हमारा वध क्यों नहीं किया? क्यों अंगराज, तुमने नकुल सहदेव को जीवित क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे पास अवसर भी तो था, बड़ी सरलता से उन दोनों का वध कर सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आज मेरा लक्ष्य अर्जुन है, नकुल सहदेव नहीं। किंतु आपके स्वर में विनम्रता कैसे आ गई मदरराज, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भूल मत करना अंगराज, तुमने मेरे भांजू को जीवित छोड़ दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। तुमने जो मेरा अपमान किया था मैं उसे नहीं भूला, और मैं तुम्हें उस अपमान के दंड तक अवश्य लेके जाऊंगा। अभी आप मुझे केवल अर्जुन के समीप ले चलिए,
क्या कर रहे हैं माता? इस प्रकार खुद से पीठ दिखाकर भागना कायरता है। कदाचित तुम भूल रहे हो पार्थ, मेरा एक नाम रणछोड़ भी है। अब रणछोड़ को सारथी बनाओगे तो उसका परिणाम भी तो भुगतना होगा। रुक जाओ अर्जुन, तुम दोनों छोड़कर नहीं जा सकते। माधव, एक योद्धा दूसरे योद्धा की ललकार का उत्तर देता है। बाण के संधान में धनुष, प्रत्यंचा और दसों उंगलियों का महत्वपूर्ण संगम होता है पार्थ, और अंगराज के वध के लिए भी ये संगम अनिवार्य है। मैं विश्वास दिलाता हूं पार्थ, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारा द्वंद अवश्य पूर्ण होगा, किंतु उचित स्थान पर, उचित समय पर, जहां ना कोई विचलित कर सके, ना लक्ष्य के मार्ग में अवरोध बन सके पार्थ। शीघ्र करो साथी, हम अभी बहुत पीछे हैं। मैं एक योद्धा हूँ, सूत पुत्र नहीं अंगराज। मैंने सदा सारथी पाए हैं और तुमने मुझे अपना सारथी बनाया है, तो मेरी कमियों को भी स्वीकारना होगा। रुक जाओ अर्जुन। मुझे कर्ण ने धुन के लिए चुनौती दी है, और इस प्रकार धुन छोड़कर भागना एक योद्धा के लिए अशोभनीय है। मैंने कहा ना पार्थ, द्वंद होगा, किंतु उचित समय आने पर। अर्जुन कुरुक्षेत्र से भागते रहा है, ये कैसी नीति है माधव की? शीघ्र करो सारथी। अर्जुन, क्या गुरु द्रोण ने तुम्हें युद्ध से भागने की शिक्षा दी है? अब रुक जाइए माधव, कर्ण ने मेरे गुरु की शिक्षा को ललकारा है, मुझे उसके दुस्साहस का उत्तर देना होगा। मैं सारथी हूं पार्थ, जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता मैं नहीं रुक सकता। परंतु एक योद्धा की ललकार का उत्तर देना एक योद्धा का कर्तव्य है माधव। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करने से कौन रोक रहा है पार्थ? एक सारथी को अपना कर्तव्य पूर्ण करने दो, और तुम एक रथी का कर्तव्य पूर्ण करो पार्थ। परंतु कैसे माधव? चलते रथ में जब सामने से प्रहार किया जा सकता है पार्थ, तो पीछे से क्यों नहीं किया जा सकता? ये सब क्या है माधव? आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? हम उस स्थान पर जा रहे हैं पार्थ, जहां कुछ पापों का, कुछ श्रापों का संगम होगा, जहां इस द्वंद के मध्य कोई बाधा बनकर नहीं आ सकेगा। कोई वैद्य को बुलाओ, शीघ्र औषधि लाओ। महारानी द्रौपदी ने वैद्य जी को उपचार कक्ष में आने का आदेश दिया है, शीघ्रता करो, शीघ्र औषधि लाओ। माता,
शीघ्रता कीजिए, औषधियां और पीड़ा निवारक लेप लेकर आइए। जाइए। क्या हुआ पांचल, कोई चोटिल हुआ है? हाँ माताश्री। नकुल, सहदेव, किसने की ये दशा? ये सब कर्ण ने किया माते, परंतु क्या? परंतु उसके पास हमारा वध करने का अवसर था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वो केवल हम दोनों को बंदी बनाकर चला गया। ऐसा भान हो रहा था जैसे उसे ऐसा करने से कोई रोक रहा हो। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ जिसने उसे हमारा वध करने से रोक दिया। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। पुत्र कर्ण, पांचाली, तुम नकुल और सहदेव को उपचार कर, इन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। शीघ्र करो मद्राज। अर्जुन जहां जा रहा है उसे जाने दो अंगराज। तुम क्यों अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो? जितना कहा है उतना करो। अर्जुन, मैं पीठ दिखा योद्धा पर वार नहीं करता। रथ रोको और सामने आओ, अन्यथा मैं पाताल तक भी तुम्हारा पीछा करूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो अंगराज? यदि हम उस पर्वत से टकराए तो हमारा रथ नष्ट हो जाएगा, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तुम उसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ो, ये मेरा आदेश है। यदि ऐसे छोटे बाण चलाओगे तो अर्जुन को स्वप्न में भी परास्त नहीं कर पाओगे। अंगराज कर्ण, गिनती आती है मद्राज। आप कहना क्या चाहते हैं अंगराज? तो गिनती करो। एक, दो, तीन। बिना बाण के घायल हो गए धनंजय।
कर्ण अपना वचन निभा रहा है, अपनी प्रतिज्ञा भी निभाएगा मेरे कोप की रक्षा करना। प्रभु साधु साधु महारथी अर्जुन, आज तुम्हारे तीखे बाण का आभास हो गया, परंतु तुम्हारे बाण संधान में बल नहीं था। ये कैसा आभास है पार्थ? ये संयोजन का आभास है जिसका साक्षी ये बाण बना है। आओ युद्ध करो। देव पुत्र है वो, पर मैं आपके सारे गुण, तो आपने उन्हें अमर क्यों नहीं बनाया? आज आपको एक माता की प्रार्थना स्वीकारनी होगी। कर्ण अर्जुन में से वीर गति कोई भी प्राप्त होगा, खोक मेरी ही सुनी पड़ेगी। एक माँ को ही पीड़ा होगी। प्रभु मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करो, करण और अर्जुन भाई हैं। इस प्रकार उन दोनों को एक दूसरे का वध करने में विवश मत करो। इस अनर्थ को रोक लो प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करो, रक्षा करो। अर्जुन नहीं होगा।
एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इंद्रप्रस्थ आपका अभिवादन करता है। मैं आपका अभिवादन स्वीकार नहीं कर सकता देवी। कुंती का पुत्र ना सही, एक पुत्र आया है एक स्त्री का मान बचाने। जब भी कोई शिशुपाल किसी स्त्री का मान भंग करेगा, ये कर्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा। दासी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुलवधू है। क्या हुआ पांचाली, किस सोच में हो? आप पूछ रहे थे ना आर्य कि अवसर मिलने के पश्चात भी कर्ण ने आपका वध क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया आप दोनों को? कारण मुझे पता है। अद्भुत द्रोण शिष्य, आज जीवन में पहली बार किसी धनुर्धर को रथ की गति की विपरीत दिशा में युद्ध करते हुए देखा है। अद्भुत, तुम्हारे गुरु की दी गई शिक्षा और तुम्हारे अभ्यास दोनों की प्रशंसा करनी होगी अर्जुन। परंतु एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि यदि युद्ध करना ही है तो भाग क्यों रहे हो? इसे क्या उत्तर दो माधव? उत्तर स्वयं कर्ण की प्रतीक्षा कर रहा है पार्थ, बस कुछ क्षण शेष है। नकुल, अब तक तुम्हारे घावों का उपचार नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो? जाना आवश्यक है माता, यदि विलंब किया तो वो घाव लग जाएगा जिसका हम भाई मिलकर भी उपचार नहीं कर पाएंगे। क्यों माता, क्यों हमसे ये भेद छिपाया? हम सबसे समझ नहीं पा रहा हूं कि अर्जुन भाग क्यों रहा है। कदाचित अर्जुन आपको कुछ और दिन जीने का अवसर देना चाहते हैं अंगराज। नियति के संदेश को समझिए और लौट चलिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। शब्द बाण, मुझे शब्द बाण का उपयोग करना होगा। अर्जुन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभिमन्यु जैसे योद्धा के पिता हो। जो अभिमन्यु ऐसे योद्धाओं के समक्ष खड़ा रहा,
पीछे हटने का अवसर मिला फिर भी पीछे नहीं हटा और उसके पिता तो युद्ध का अवसर पाकर भी भाग रहे हैं। क्या युद्ध आरंभ होने से पूर्व तुम्हारे ज्येष्ठ ने तुमसे ये आशा की थी? मुझे ये आशा नहीं थी माते, कभी नहीं थी कि एक सत्य छिपा लेने के कारण आज मेरे दोनों भाई एक दूसरे के रथ के प्यासे होकर खड़े हैं। ज्येष्ठ जीवन भर जिसे हम सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे वो हमारा ज्येष्ठ है। हाँ। शीघ्र भीम को यहां आने का संदेश तो नकुल। क्या महाबली वृकोदर का अनुज इतना दुर्बल है? बोलो अर्जुन। तुम्हें युद्ध चाहिए ना, वो तुम्हें मिल रहा है। यही अंतर है एक सूत पुत्र और एक क्षत्रिय में। एक क्षत्रिय अपनी भुजाओं का प्रयोग करता है और एक सूत पुत्र अपनी जीवा का। बाण केवल लक्ष्य संधान करते हैं। हाँ मैं सूत पुत्र हूं, लेकिन आज एक क्षत्रिय की छाती पर लक्ष्य भेद अवश्य होगा। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ को जीवन भर मैं सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा। ऐसा क्यों किया माता? माता बताइए, आपने हमारे ज्येष्ठ का सत्य हमसे क्यों छुपाए रखा? बताइए माता। ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, इस सब में समय व्यर्थ मत कीजिए आर्य। अपने अनुज अपने ज्येष्ठ का युद्ध रोकिए आर्य। स्मरण कीजिए कि केवल कर्ण था जिसने मेरे वस्त्र हरण का विरोध किया, मुझे उस शिशुपाल की कुदृष्टि से बचाया। इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं अब सब 6 से 5 न रह जाए। क्या सूर्यास्त तक भागते रहोगे? क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं माता? संध्या होने का है अंगराज, हम कब तक यूं इनके पीछे भागते रहेंगे? मुझे अपनी भूल का स्मरण हो गया है। मैं अनुचित पात्र से प्रश्न कर रहा हूं। माधव, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। बताइए कि ये लीला क्या है? शीघ्र करो मदराज,
मुझे अर्जुन के सारथी से उत्तर लेना है, शीघ्र करो। माधव, क्या यही आपका न्याय है? क्या यही धर्म स्थापना है? क्या अर्जुन का नाम आप इसी भांति इतिहास में अमर कर देना चाहते हैं? अर्जुन को मैं द्वंद के लिए ललकार रहा हूं और उसका सारथी उसे भगा ले जा रहा है। क्या यही आपका कर्तव्य है? बोलिए माधव।